फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की विस्तार से। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो में हम उन्हीं करंट अफेयर्स का जिक्र करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कोवैक्सीन की। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत है वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन यानी कि टीका। तो ये डेवलप करा है कोवैक्सीन, इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक लिमिटेड ने और ये कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण है वो शुरू किया जा चुका है और इसको विकसित करा है भारत बायोटेक लिमिटेड ने और इसके सहयोगी रहे हैं यानी इसको विकसित करने में जिन संस्थाओं ने सहयोग किया है उनमें है ICMR दिल्ली और दूसरा है NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण किया है और इसका मानवीय परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ भारत द्वारा निर्मित पहली वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं, एक त्रासदी देखने को मिल रही है आज के दिन। देखिए, गैस रिसाव हुआ है कहां पर, सेनर लाइफ साइंस फार्मा कंपनी है, ये विशाखापट्टनम में है। यहां पर 2 की मौत और 4 घायल हुए हैं। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक के ये अपडेट्स हैं, हालांकि इनकी संख्या कम अधिक हो सकती है। तो देखिए, सेनर लाइफ साइंस फार्मा कंपनी है, यहां पर गैस के रिसाव से ये इस प्रकार से यहां पर डेथ्स हुई हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, न्यूज में देखा है, LG पॉलीमर्स नाम की कंपनी है, इसका मैंने पहले जिक्र भी किया है वीडियो में। LG पॉलीमर्स कंपनी है, यहां पर भी स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, ये भी विशाखापट्टनम में है, इसको विजाग गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। LG पॉलीमर्स में जो घटना हुई थी उसको विजाग गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और यहां पर 10 से अधिक लोग मारे गए थे और काफी संख्या में यहां पर लोग घायल हुए थे। तो ये दोनों याद रखनी है, दोनों ही घटनाएं विशाखापट्टनम की हैं, सेनर लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में गैस रिसाव और LG पॉलीमर्स में गैस रिसाव। LG पॉलीमर्स के ऊपर NGT ने जुर्माना भी लगाया था यहाँ पे 500 करोड़ का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे प्लाज्मा बैंक की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक ये बनने जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली सरकार इसको बना रही है और एक हॉस्पिटल है जो कि नॉन कोविड हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पर कोविड पेशेंट का इलाज नहीं किया जाता, इस हॉस्पिटल के अंदर ये प्लाज्मा बैंक बना रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम है ILBS अस्पताल, यहाँ पर प्लाज्मा बैंक बना रही है दिल्ली सरकार और इसकी जानकारी आम जन तक पहुँचाएंगे दिल्ली सरकार के मंत्री। तो इसको याद रखना है बिकॉज ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, अगर किसी को COVID-19 वायरस है, इसने संक्रमित कर दिया है और उसने इलाज के दौरान अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर लिया तो उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और उसके बाद में उसका जो प्लाज्मा है वो शुद्ध होता है और उस प्लाज्मा के माध्यम से उस प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति जो कि संक्रमित है उसके अंदर उसको भेजा जाता है और उस प्लाज्मा के ट्रांसफर से वो जो COVID-19 पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ये देखिए भारत के जो डॉक्टर हैं उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस
नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्तमान में टिड्डी हमला बहुत ज़्यादा चर्चा में है और टिड्डी हमले से बचने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार भी इस ओर अपने कार्य कर रही है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कम्युनिटी में एक प्रश्न पूछा भी था कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वह है भारत। और भारत ने इसी दिशा में कार्य करते हुए एयरफोर्स को भी काम में लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है, हेलीकॉप्टर्स जिनके पास हैं, उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, हेलीकॉप्टर है एक जिसका नाम है MI-17। MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये एयरफोर्स का है और इसको टिड्डी को भगाने के लिए या उसको मारने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर से। तो आपको याद रखना है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए या कीटनाशक के छिड़काव के लिए किस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, तो वह है MI-17 और ये भारतीय वायुसेना का है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, भारत में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? सुनना ध्यान से, भारत में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरल। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। सही जवाब आपको इसका कमेंट में मिल जाएगा। नमस्कार।